मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब अक्षरा पब्लिक स्कूल की, जहां 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पहुंचे नौगांवा विधायक अशफाक खां, चेयरमैन पीतम सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। नौगांवा विधायक अशफाक खां ने स्कूल को रोशनी के लिए एक सोलर लाइट, एक हैंडपंप अपनी निधि से देने की घोषणा की। स्कूल के चेयरमैन चौधरी पीतम सिंह ने आज के दिन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली, देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों माओं के सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया। उन्होंने उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक पीयूष कुमार, प्रधानाचार्य एलसी वर्मा ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनसे मन लगाकर पढ़ने और स्कूल का नाम रोशन करने पर जोर दिया। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद था। सबसे पहले बधाई देनी चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत ही बड़ा स्कूल अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की खिदमत के लिए बनाया है, वो बधाई के पात्र है। यूं तो जितना बड़ा खर्च आज स्कूल बनाने में आता है, अगर स्कूल को चलाने वाला, स्कूल को बनाने वाला ये रकम किसी उद्योग में या किसी और जगह लगा है तो यकीनन इससे बड़ा लाभ होता है। लेकिन जो सेवा भाव से मन की शांति, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करने का मौका मिलता है, वो दूसरे उद्योग में नहीं मिलता है। आज बहुत ही शुभ दिन है हमारा, ये सब सब साल हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, और उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी लोगों ने, कितने लोग शहीद हुए। इसमें हमारे जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज उनको याद करने का दिन है। आंधियों का नाम सुनकर क्यों कांपते हैं पेड़ भी समझ में आ जाएगा, झुग्गी में रहकर देखना। समझ में आ जाएगा झुग्गी में रहकर देखना, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अब जरा इकबाल तो धरती पे आके देखना। अब जरा इकबाल तो धरती पे आके देखना। आज इस देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। ये आजादी इस तरह से नहीं मिली जैसे हम मना रहे हैं, बहुत त्याग हुए हैं इसके लिए। हजारों बहनें विधवा हो गई, बिना भाइयों के हो गई, अनाथ हो गई थी।